नमस्कार, मैं कमल सैनी बात कर रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ collegejankar.com। ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, ये जो जर्नलिज्म की डिग्री है उसको कैसे एकदम बेकार कर दिया गया। यूएसए में एक स्टडी हुई है जिसके अंदर बताया गया कि वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट डिग्री माना गया है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म को। ऐसा क्यों हो गया? आखिरकार क्या एंकर्स की वैल्यू जीरो हो गई है? क्या जो मीडिया जो हमेशा सच बताती है क्या उसकी वैल्यू एकदम खत्म, उसको एकदम खत्म ही कर दिया? सबसे वर्स्ट डिग्री कहा गया है, सबसे वर्स्ट, एकदम बेकार, नल्ला, भिकमंगा। क्यों? आखिरकार कैसा क्या हो गया है? क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या इनके पास कोई टीचर नहीं है? क्या IITs के अंदर ऐसा कोर्स क्यों नहीं कराया जा रहा जहां पे जो अच्छे जो जर्नलिज्म एंकर जो प्रोड्यूस किए जाए? क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? आखिरकार क्या इश्यू है कि सबसे वर्स्ट डिग्री कहा गया इसको? देखते हैं। चलो हम एकदम आपको मैं फुल एनर्जी के साथ सारे वीडियोस बना के दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब मारो, ठीक है? तो देखते हैं इनका जो क्या हो गया, आउटडेटम करिकुलम ये लोग चला रहे हैं। पिछले कई दिशकों से मीडिया को एकदम बड़ा चढ़ा के लोग देखते थे, टीवी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, पूरी ढाणियों के लोग आया करते थे, पूरी सोसाइटी के लोग एक टेलीविजन पर देखा करते थे। बहुत वैल्यू थी एंकर्स की, एंकर बनना वैल्यू काफी ज्यादा थी। बहुत सारे हजारों लोग करने लगे एंकरिंग। इसमें क्या हुआ ना कि उसका जो करिकुलम है वो काफी पुराना चलता रहा। इंडिया में क्या होता है बेसिकली, जो पहले जो फरता चली आ रही है उसको चलाते रहते हैं, उनका किसी को कोई पता नहीं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। पहले से करते आ रहे हैं इसलिए चलो हम भी करते जाते हैं, पहले से कोई करता आ रहा है चलो हम भी करते जाते हैं, लगातार करे जा रहे हैं। और एक जो क्या होता है भारत में भीड़ चाल जो चलती है ना वो भी कर रहा है। और बेटा वो शर्मा जी का बेटा भी कर रहा है, वो नल्ला राम जी भी कर रहा है, वो भगवान जी भी कर रहा है, चलो वो पुरपुर भी कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये एक करिकुलम बन चुका आउटडेट है। उसमें क्या होता है, पहले क्या करते थे, पहले जो नेता लोग थे ना वो सारा कमांड चलाते थे। अब जो नेताजी जो बोल रहे हैं, अब हमारे मीडिया वाले क्या करते हैं, नेताजी की न्यूज चलाए जा रहे हैं। उधर भूकंप आ गया, नो कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वालों को, नेताजी की खबर चला रहे हैं। उधर लड़ाई हो गई, नेताजी को किसी ने गाली बक दी, वो चलाए जा रहे हैं। नेताजी ने कोई रूल लगाया, वो चलाए जा रहे हैं। आज नेताजी के घर पे बैठा हुआ है, वो चलाए जा रहे हैं। आज नेताजी की शादी है, वो चलाए जा रहे हैं। मीडिया वालों को पता नहीं कि हमें करना क्या है, वो जो आउटडेटेड सिस्टम पे चला जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। लोगों का अटेंशन एकदम खत्म हो चुका है। आज 3 सेकंड के बाद लोग वीडियो से हट जाते हैं, उनको स्क्रॉल आगे कर देते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इतना एल्गोरिथम ने देखा है कि 3 सेकंड के बाद ज्यादा लोग रुकते ही नहीं है। 3 सेकंड तक देखा, अच्छा नहीं लगा, ऊपर चलो। तो जो न्यूज वालों की 20-20 की मिनटें जो है, जो बकवास कर रही है गोदी मीडिया, वो कौन देखेगा? तो जो इसकी जो डिमांड है वो लगातार घटती जा रही है, जो बिल्कुल बची नहीं है, तो डिग्री लगातार वेस्ट होती जा रही है। लैक ऑफ स्किल एंड रिक्वायरमेंट, बहुत सारे हजारों कॉलेजेस क्या करें आजकल, ऑनलाइन डिग्री तुम लो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, फलाना राम जर्नलिज्म, अपने स्मार्टफोन से ले लो, 4G है तुम्हारे पास, तो 5G भी आ गया है, ठीक है तू ले ले डिग्री, ले ले, मैं तेरे को डिग्री दे देता हूँ। अब डिग्री तो सबको दे दी, लेकिन बोलना किसी को नहीं आता कि आखिरकार क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैमरे के सामने कैसे बोलूँ। स्किल है नहीं, बस डिग्री मिल चुकी है लोगों को। 94% एसोचम की रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो वो लाइक ही नहीं है एंकर्स के, उनको बोलना आता नहीं है, क्या बोलना है वो उनके लफ्ज नहीं है मुंह के अंदर, आखिरकार कैसे बोलना है, सहलीज क्या होती है, लोगों को पसंद क्या होगा, हमारे ये बोलने से कैसे इफेक्ट पड़ेगा, नथिंग नो अबाउट इट। उनको सिखाया गया है जो स्टेटमेंट आए उसको बोल दो बस, उसके अंदर कोई कुछ शो नहीं कर रहा है, कोई इमोशन कुछ नहीं आ रहा, बस जो आ रहा है उसको दबा के जचा के बोलो, जो उनको स्पॉन्सरशिप उसको जचा के बोलो। तो क्या हो गया, उनके पास स्किल बिल्कुल है ही नहीं, ऑनलाइन डिग्री कराते जा रहे हैं, उनको पता है नहीं कैमरे को कैसे पकड़ते हैं, माइक को कैसे पकड़ते हैं, आंखें कैमरे के सामने कैसे देखते हैं, नो नथिंग अबाउट दिस जर्नलिज्म। और ये सारा का सारा मामला आ रहा है जो ऑनलाइन डिग्री करवा रहे हैं ना उनके वहां से। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आजकल, क्या होगा अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग यूट्यूब वीडियोस ज्यादा देख करते हैं, एंकर्स की कोई बातें सुनता ही नहीं है, तो उस कारण भी उनकी डिमांड घटती जा रही है।
कंपनियों के पास पैसा नहीं है, जॉब से लगातार निकालती जा रही है, कंपटीशन लगातार बढ़ चुका है, लोग जो है सोशल मीडिया पे एंकर बने घूम रहे हैं, जो मीडिया नहीं दिखा रहा उससे अच्छा कंटेंट आजकल इन्फ्लुएंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ आपके लिए, तो मीडिया की डिमांड लगातार घटती जा रही है। उसके बाद जो एक रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद जो चेंजिंग द इंडस्ट्री होता है, वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसलिए क्यों गोदी मीडिया की डिमांड नहीं आज है, क्यों उसको मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया, हालांकि ये काफी गलत है कि हम ऐसा सब प्रयोग कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं। आखिरकार जो रिवोल्यूशन है वो इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, लोगों की डिमांड खत्म हो चुकी है, टीवी से लोग जो है लगातार चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि टीवी में और यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लोगों का अटेंशन बहुत ख़त्म होता जा रहा है, इस कारण इस डिग्री को वर्ल्ड का सबसे वरेस्ट डिग्री माना गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब्स नहीं है, हालांकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन लैक ऑफ जॉब्स 94% लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, जो जॉब्स है वो सिर्फ 6% लोगों के लिए जो कि टॉप के अंदर आते हैं। इसलिए आपको अगर अपने फील्ड के अंदर टॉप में आना है, टॉप के अंदर अगर आपको आना है, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा करियर चूज करना पड़ेगा, और अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा मेंटर, अच्छा गाइडर चूज करना है, जो कि आप चूज कर सकते हैं collegejankar.com से, और आप विजिट कर सकते हैं 8209441638 पे, जहां पे आपको मिलेगा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। थैंक यू सो मच। अपनी डिग्रियों का ध्यान रखो, कोर्सेस का ध्यान रखो, और अपने आप को जो आउटडेटेड सिस्टम है उससे रीच आउट करते जाओ, ठीक है। ट्रेडिशनल जो फॉर्म आ रही है उसको खत्म करो और अपने आप को ब्रांड के साथ डेवलप करते जाओ, समय के साथ अपने आप को बदलो, तो ही जो है आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, वरना तो आपका माहौल काफी ज्यादा खराब हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।